नमस्कार दोस्तों, खजुराहो के चौथे भाग में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम देखने वाले हैं वामन मंदिर, जवारी मंदिर और ब्रह्मा मंदिर। जैन मंदिर समूह से ये तीनों भी मंदिर लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस ब्लॉक का हमारा पहला मंदिर है वामन मंदिर। वामन मंदिर पूर्वी समूह का मुख्य मंदिर है और पुरानी बस्ती से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1050 से 1075 ईस्वी के मध्य में किया गया था। इस मंदिर में अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह है। मंदिर में प्रदक्षिणा पथ का अभाव है, इसलिए यह मंदिर निरंधार शैली में वर्गीकृत किया गया है। इस मंदिर की एक विशेष बात यह है, इस मंदिर में कामुक मूर्तियों का अत्यंत अभाव है। अधिकांश मूर्तियां एकल प्रतिमाएं हैं। वामन मंदिर की खूबसूरत दीवारें इसके भव्य वास्तुशिल्प का प्रतीक है। गर्भगृह के चारों ओर नीचे की पंक्ति में वराह, नरसिंह, वामन आदि अवतार दिखाई देते हैं। इस मंदिर की कुछ कुछ बनावट जैन मंदिर समूह के आदिनाथ मंदिर से मिलती जुलती है। यहाँ पर महिलाओं की मूर्तियां बहुत ही सजीव है। हर प्रतिमा का चेहरा बड़ी मेहनत से उकेरा गया है और प्रत्येक प्रतिमा का भाव भी अलग अलग है। गर्भगृह में भगवान विष्णु के वामन अवतार की लगभग 5 फीट ऊंची एक अत्यंत भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। मूर्ति का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। दोनों तरफ क्रमशः चक्र पुष्प है। मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार सप्त शाखाओं से अलंकृत है। कथा के अनुसार जब असुरराज बलि ने अपने तपोबल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तो हारे हुए देवराज इंद्र ने स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके ऋषि कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र के रूप में एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 कदम बराबर भूमि देने का आग्रह किया। उनके एक हाथ में लकड़ी का छाता था। गुरु शुक्राचार्य के चेतना के बावजूद भी बलि ने वामन को वचन दे डाला। वामन ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही कदम में पूरा भूलोक यानी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में देवलोक नाप लिया और तीसरे कदम के लिए कोई भूमि बची नहीं। वचन के पक्के बलि ने तब वामन को तीसरा कदम रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। वामन बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए। असुरराज बलि के दादा प्रह्लाद विष्णु के परम भक्त थे। वामन ने बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा कदम बलि के सर पे रखा, जिसके फलस्वरूप बलि पाताल लोक में पहुंच गए। वामन अवतार ये विष्णु जी का 5वां अवतार है। वामन मंदिर देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं आगे जवारी टेंपल। यही से पास में है ये जो ब्रह्मा टेंपल है, जवारी टेंपल है और वामन टेंपल है, ये तीनों ही पास पास में है। अप्रॉक्स 100 मीटर की दूरी पे होंगे ये तीनों मंदिर। और यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो ऑटो मस्ट है अगर आपको ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स देखने हैं और साउथ के टेंपल्स देखने हैं तो, क्योंकि बहुत ही दूरी पर है पूरा। लगभग आपको मोस्टली अगर आप हिस्ट्री आपको अच्छी लगती है
तो पूरा दिन देखेंगे तो भी कंप्लीट नहीं होगा, पर आपको ऊपर ऊपर देखना है तो 6-7 घंटे बहुत हो गए ये मंदिर देखने के लिए। अभी हम हैं जवारी टेंपल के पास, आप मेरे पीछे जवारी टेंपल देख सकते हैं। अभी हम लोग करेंगे एंटर जवारी टेंपल के अंदर। जवारी मंदिर पूर्वी मंदिर समूह में खजुराहो में स्थित भगवान विष्णु जी का प्रसिद्ध मंदिर है। खजुराहो का जवारी मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब आप इस मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर के प्रवेश द्वार पर तोरण देखने के लिए मिलता है। इसे मकर तोरण कहा जाता है। यह एक ही पत्थर का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस मंदिर के अंदरूनी भाग में आपको 4 भाग देखने के लिए मिलते हैं। इसमें मुख्यतः मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह देखने के लिए मिलते हैं। इस मंदिर में प्रदक्षिणापथ नहीं बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर भगवान विष्णु की आकर्षक प्रतिमा है, मगर विष्णु भगवान का सर प्रतिमा पर नहीं है, यानी प्रतिमा खंडित अवस्था में यहाँ पर मौजूद है। आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिर के अंदर आपको मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार में देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां देखने के लिए मिलती है। इन मूर्तियों की बनावट बहुत ही खूबसूरती से की गई है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया हुआ है। मंदिर का निर्माण 1075 से 1100 ईस्वी के बीच किया गया है। जवारी मंदिर की बाहरी दीवार मूर्तिकला से सुसज्जित है। अगर आप मंदिर के बाहर आकर दीवारों को देखते हैं तो दीवार में अनेकों तरह की मूर्तियां देखने के लिए मिलती हैं, जो अलग अलग कामुक मुद्राओं में बनाई गई है। खजुराहो के लगभग सभी मंदिर कलाकृतियों और सुंदरता की दृष्टि से अभूतपूर्व और दुनिया में लगभग इनके समांतर कहीं और होना असंभव है। यह मंदिर भारतीय मूर्तिकारों के अद्वितीय कौशल का प्रतीक है। खजुराहो के मंदिरों की सुंदरता को शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। मूर्तियों के जरिए जिस बेहतरीन कला द्वारा इंसानों की समस्त भावनाओं को दिखाया गया है, वह सिर्फ आंखों से महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में वर्णन किया जाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे आज के दिन का आखिरी मंदिर है ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर खजुराहो के सबसे बड़े नरोरा झील के किनारे स्थित है। यह मंदिर 900 ईस्वी में बनाया गया था। यह मंदिर एक चौकोर आकार का छोटा मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला खजुराहो के अन्य मंदिरों के समकालीन है। मंदिर का दरवाजा पूर्व मुखी है और उसकी बनावट काफी साधारण है। इसमें एक त्रिमूर्ति और गंगा यमुना की मूर्तियां बनाई गई है। इस मंदिर का नाम भगवान ब्रह्मा के नाम पर आधारित है, परंतु यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। आकार में यह मंदिर अन्य मंदिरों के मुकाबले काफी छोटा है और बहुत ही साधारण बनावट है। खजुराहो के लगभग सभी मंदिरों का निर्माण सैंडस्टोन से किया गया है, परंतु ब्रह्मा मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट से किया गया है। प्रारंभ में इस मंदिर में एक बरामदा और एक गर्भगृह था। हालांकि बरामदा अब नष्ट हो गया है, केवल गर्भगृह बचा है जो कि एक शिखर से सुसज्जित है। गर्भगृह में भगवान शिव की एक चतुर्मुखी प्रतिमा स्थापित है, जिसे 4 मुख होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा ब्रह्मा जी का नाम दे दिया गया। हालांकि कुछ इतिहासकार इसको भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर भी मानते हैं, क्योंकि प्रवेश द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई गई है जो कि बीच में है। खजुराहो के साउथ के और ईस्टर्न ग्रुप के जो मंदिर थे वो लगभग देख के हो चुके हैं। अभी हम लोग कल जाएंगे
वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल, जो सबसे भव्य मंदिर है हम खजुराहो के, जहाँ पर ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो मैंने आपको बताया था ये ब्लॉग जो है वो मैं लास्ट में ही एंड करूँगा, क्योंकि कितने बड़े ब्लॉग होंगे या फिर इन्फॉर्मेशन शेयर करते करते ये मुझे भी पता नहीं है, इसलिए टू बी कंटिन्यूड रहेगा। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए।